शहबाज हुकूमत के मेगा प्रोजेक्ट से हुकूमत की अदम दिलचस्पी, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का मंसूबा मजीद ताखीर का शिकार। 4 माह 20 रोज गुजर गए, नए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील न दी जा सकी। मंसूबे पर कितना काम हुआ, कितना बाकी, कोई आदाद शुमार मौजूद नहीं। वजीर आला की जानिब से ऑरेंज लाइन मॉनिटरिंग के लिए 10 करोड़ मंजूर, मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं, कॉन्ट्रैक्टर्स भी तजब्जुब का शिकार। पंजाब की 54 कंपनी स्कैंडल को मंजरेआम पर आए 1 साल बीत गया। सबसे पहले लाहौर न्यूज ने अहम मामले की निशानदेही की। मेगा स्कैंडल ने सियासी और इंतजामी वाहनों में हलचल मचाई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया। शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, आहद चीमा समेत कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई। नैप ने 2 अरब रुपए रिकवर करके कौमी खजाने में जमा करवाए। अब ऑडिटर जनरल ने भी बेजाबतियों की तस्दीक कर दी। डबल सवारी, डबल हेलमेट, औरत हो या मर्द, पिछली सवारी की हेलमेट की बारी। 1 नवंबर से मोटरसाइकिल पर दोनों सवार हेलमेट पहनेंगे। साइड मिरर और पिछली सवारी आगाही मुहिम का आगाज आइंदा पीर से होगा। आगाही मुहिम के बाद दोनों सवार के हेलमेट ना पहने पर चालान होगा। बाइक पर 2 से ज्यादा अफराद बैठने पर पहले ही पाबंदी आए। हेलमेट मुहिम से हेड इंजरीज के वाकयात में वाजे कमी आई, तर्जमान ट्रैफिक पुलिस। प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में लाकानूनियत का मामला, एलजी ने स्कीम्स का रिकॉर्ड सरबमोहर करके तहकीकात का आगाज कर दिया। गैर कानूनी अमूर की निशानदही के लिए स्पेशल कमेटी कायम। गाड़ी का ई चालान हो या ना हो, शहरियों की मालूमात के लिए वेबसाइट मुतारिफ। सेफ सिटीज अथॉरिटी ने ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक चालान चेक करने का सिस्टम मुतारिफ करा दिया। शहरी शनाख्ती कार्ड और गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए अपना ही चालान देख सकेंगे। पंजाब हुकूमत का स्मॉग जांचने के लिए 8 मॉनिटरिंग स्टेशन लगाने का फैसला। 5 स्टेशन लाहौर में लगाए जाएंगे। पंजाब काबीना ने मंजूरी के बाद 1.5 करोड़ जारी कर दिए। महकमा माहौलियात की एंटी स्मॉग मुहिम तेज। स्मॉग पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर 111 सनती यूनिट्स और 16 भट्टे सरबमोहर कर दिए। वज़ीर बल्दियात ने शहर को साफ सुथरा बनाने की ठान दी। अब्दुल अलीम खान डेडलाइन खत्म होने पर शहर के दौरे पर निकल पड़े। अलाम इकबाल रोड, गड़ी शाऊ, बोर्डवाला चौक समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सफाई की सूरत हाल में बेहतरी पर MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मजीद 1 हफ्ते की मोहलत। बोले, शहर के गली कूचों को हर सूरत साफ सुथरा बनाया जाएगा। पेट्रोल पंप्स की बंदिश पर मुलाजमीन सड़कों पर, प्रेस क्लब के बाहर गले में रोटियां डालकर एहतजाज, नारेबाजी। LTA पेट्रोल पंप्स बंद करके मौसी कत्ल कर रहा है, मुजाहिरीन की दुहाई। इसाक डार के असासों की जब्ती, गुलबर्ग कोठी पंजाब हुकूमत के नाम मुंतकिल। बैंक अकाउंट्स में पड़ी रकम भी सरकारी खजाने में जाएगी। DC लाहौर ने 4 बैंकों के नाम मुरासला लिख दिया। मुखालिफ तकारीर केस, तलबी के बावजूद पेश न होने पर 13 मुलजिमों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में MNA शेख वसीम, मौजूदा MPA नईम सफदर अंसारी समेत 29 मुलजिमान अदालत पेश। केस की समाप्त 23 अक्टूबर तक मुलतवी। रेलवे ट्रैक के साथ स्कूल्स और ग्राउंड्स बंद करने का फैसला। वालदैन बच्चों को दूसरे स्कूल्स में दाखिल करा लें, शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रैकिंग सिस्टम लगाने और मॉल गाड़ियों की तादाद 8 से बढ़ाकर 15 करने का ऐलान। पहले 50 दिनों में रेलवे की आमदनी में 1 अरब रुपए का इजाफा होने का दावा। ग्रीन लाइन, कराची एक्सप्रेस और तेजगांव में Wi-Fi सर्विस शुरू करने का भी ऐलान। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद की रेलवे पुलिस लाइन आमद। रेलवे पुलिस के दस्ते की वफाकी वजीर को सलामी। शेख रशीद ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। रेलवे ट्रैक बचाने के लिए चीन से मदद लेने का ऐलान। ट्रैक बेहतर होने से लाहौर और रावलपिंडी का सफर 1 घंटे में तय होगा। शेख रशीद अहमद का दरबार से खिताब।
सूबाई वजीर ब्रायाला तालीम और सियाहत का 8 अजला में सियाहती मुकाम दरियाफ्त करने का ऐलान। 100 रोजा प्लान पर ब्रीफिंग। हर डिवीजन में आलमी मियार की यूनिवर्सिटी बनाने के अज़्म का इजहार। एंटर के बाद जो तलबा यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते वो कम्युनिटी कॉलेज जा सकते हैं। राजा सरफराज हमायूं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाही कला में बहाली के काम के लिए खुदाई, एक और सुरंग दरियाफ्त। वॉल सिटी अथॉरिटी ने सुरंग को मुगल बादशाह शाहजहां के दौर की तामीर करार दे दिया। सुरंग 400 साल पुरानी है, भरपूर तहकीक की जाएगी। सुरंग को इसकी तारीखी शक्ल में बहाल करके आवाम के लिए खोला जाएगा। डायरेक्टर शाही किला आसिफ जहीर। पुलिस लावारिश लाशों की शनाख्त और पोस्टमार्टम करवाने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली नामालूम लाशों की तादाद 14 हो गई। खसूसी तौर पर बनाया गया इन्वेस्टिगेशन सेल भी बेसूर। बिजली और गैस चोरों की शामत आ गई। सुई गैस टीम की मुस्तफा पार्क में कार्रवाई। 20 घरों में गैर कानूनी इस्तेमाल पकड़ा गया। सूफिया बाग लेस्को सब डिविजन की कार्रवाई। 25 घरों से बिजली चोरी पकड़ी गई। दूध और अंडों के बाद मुजर सेहत गोश्त बेचने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन। 6 गैर कानूनी मजबा खाने, 6500 किलो नाकिस गोश्त, 1000 किलो चर्बी, 800 लीटर बाकियात से निकला तेल तल। गैर कानूनी मजबा खानों में बीमार और लागर जानवरों का गोश्त तैयार किया जाता था। डीजी फूड अथॉरिटी। एवान इकबाल में यतीम बच्चों के लिए तुर्की जबान के कोर्सेज का आगाज। सूबाई वजीर इत्तला का क्लासेस का दौरा, बच्चों से मुलाकात। फयासुल हसन चौहान का कहना है, तैयब उर्दगाह ने जिस तरह अपनी कौम को बहरानों से निकाला, ये हमारे लिए मशाल रहा है। नवी और दसवीं जमात के इम्तिहान के आगाज और दाखिला फीस जमा करवाने का शेड्यूल जारी। तमाम तालीमी बोर्ड में सिंगल फीस के साथ दाखिले 11 नवंबर से 12 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। लाहौर समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को 22 अरब 28 करोड़ रुपए के फंड जारी। सैलरी और नॉन सैलरी फंड जारी किए गए। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को 1 अरब और 24 करोड़ रुपए मिल गए। शुगर का बढ़ता हुआ मर्ज काबिले तश्वीश करार। जनरल अस्पताल में डायबिटीज से आगाही के लिए सेमिनार। सीनियर डॉक्टर्स ने नर्सेज को मरीज की देखभाल से मुतालिक आगाही दी। डेटा फराहम करने वाली कंपनी डायस एनालिटिक्स के जरिए तमाम फ्लैटिस में तकरीब। कंपनी के सीईओ का कहना था कि डेटा जनरेशन से बिजनेस को फरोख दिया जा सकता है। तकरीब में तलबा और तालिबा समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। पाक फजाइया और श्रीलंकन फजाइया के माबैन दोस्ताना गोल्फ सीरीज। शानदार मुकाबले के बाद पाक फजाइया ने मेहमान टीम को शिकस्त दे दी। पीएफ स्काई व्यू गोल्फ एंड कंट्री क्लब में इख्तितामी तकरीब। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। ओल्ड इज गोल्ड, वेंटेज गाड़ियों ने जमाया लाहौर में अपना रंग। शाही किले में वॉल सिटी अथॉरिटी के जेर एहतमाम कार रैली। कॉन्सर्ट यूनिवर्सिटी में सजा चमचमाती गाड़ियों का मुनफरिद ऑटो शो। शायकीन की जानदार और शानदार गाड़ियों में गहरी दिलचस्पी। और स्कैंडल क्वीन मीरा का घर पर कब्जा करने का मामला। अदाकारा मीरा ने सिविल कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। डिफेंस में घर मेरे नाम पर है, तमाम सबूत फराहम करूंगी। अदाकारा मीरा।